14 दिन के बाद आया हूँ भाई मैं दोबारा। सुबह से कबड़ पूरी खाली हो चुकी है, केवल हमारे इसमें भगवान जी रहेगा, उनका सामान रखा है अंदर रखा हुआ है। जो हमने का व्यू अपने कॉलेज का व्यू देख रहे हो, ये देखो भाई, मतलब हमने रूम नहीं ले पाया और लंगूर पहले आ गए। हम लोग आएंगे तो प्रॉपरली इसको रफ कर देंगे और यहाँ चलेगी राव साहब सरकार। सो ऐसे रूम को करते हैं बाय बाय। ये शायरी लिखी थी हमने, ये शायरी थी, ये भाई G6 पहले हमारा जो रूम था वो वाला था सामने वाला। सब लोग आए हुए, सब बढ़िया हो गए और अभी अपने लोग हैं देखो कहाँ से स्टेशन पे। अब लोग जा रहे हैं बरेली, है ना, जा रहे हैं वापस, जा रहे हैं कॉलेज। क्यों जा रहे हैं, कब क्यों जा रहे हैं सब बताएंगे बाद में। अभी ले रहे जल्दी से चल के भाई बैठते हैं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन खड़ी है सामने ही, और जल्दी से चल रहे बैठते हैं, सही सी जगह मिल जाए, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी हो तो देख रहे हैं भाई जल्दी चल के। सीट तो मिल गई इधर, चार्जिंग पॉइंट भी है, पर ये नहीं पता कोई बैठा है नहीं बैठा है, क्योंकि इधर तो बैठा है कोई, पर इधर खड़े अपने देखेंगे कोई होगा तो। माल गाड़ी माल लेके निकल गई, लेकिन पैसेंजर गाड़ी पैसेंजर लेके नहीं निकली यार। अब हम लोग पहुँच गए कछला गंगा जी, और अपने पास खुले हैं नहीं, देखो भाई सब लोग डाल रहे हैं, अपने लोग अभी नहीं डाल रहे हैं, खुले हैं नहीं, और देखो भाई सब लोग गंगा जी बना रहे हैं भाई। इतनी गर्मी में इन्हें मज़ा बहुत आ रहा होगा बनाने में, लिटरली यार बहुत मज़ा आ रहा होगा कतई एकदम। तो भाई अभी आ गए बरेली स्टेशन, और देखो भाई बाहर निकला है स्टेशन के, अभी यहाँ से देखना इतने ऑटो वाले आ जाएंगे, पीछे पड़ जाते हैं ऑटो वाले। अभी पीछे मैं 4-5 ऑटो वालों को छोड़ के आया हूँ, और अभी देखना सामने दो भाई एक ही आ गए, बहुत आते जा रहे हैं ऐसे। ना ना भाई कहीं नहीं जाना, अभी अभी चल रहे हैं। नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, अभी अपने को खाने ब्रेड पकौड़े, यहाँ पे हम लोग हर बार खाते हैं, बहुत टेस्टी वाले हैं ये भाई। कैसे चौकीदार हैं, सैंडल में ऊपर से शर्ट बाहर है ये भाई, चौकीदारी देखो भाई बहुत सही है ये तो, कुछ भी ऐसे ही मतलब प्रॉपर ड्रेस भी नहीं। तो चलो भाई अपने आ गए इधर, और इसी पे खाते हैं हम लोग सामने वाले पे। भैया लगा देना ब्रेड पकौड़े। सो गाइस फाइनली हम लोग दोबारा पहुंच गए कॉलेज अपने, है ना, बाहर से एंट्री भी करते हैं अंदर। अभी कॉलेज में देखो 14 दिन के बाद आया हूँ भाई मैं दोबारा, अभी करते हैं एंट्री फिर चलते हैं अंदर। सो भी अपने अभी आ गए कॉलेज में, और देखो व्यू देखो कॉलेज का, है ना, और भी मौसम देख रहे हो, मेरे फोन की क्वालिटी अच्छी है यार, देख रहे हो भी मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मौसम है अच्छा, कितना अच्छा दिखा रहा है। तो भी अंदर एंट्री कर रही कॉलेज में अपने ने, फिलहाल अब यूनिवर्सिटीज़ आज अलग व्यू आ रहा है मौसम का। तो भी अभी हम लोग यहाँ से करते हैं पहले फीस सबमिट अपनी, फीस कर सबमिट कर तो ही निकलते हैं जिस काम के लिए हम लोग मेनली आए हैं। अभी लो भाई ये रही स्लिप, हो गई फीस जमा, अभी चल रहे हैं, हॉस्टल वगैरह बुक हो जाएगा, रूम वगैरह देख ले कौन सा ले, मतलब कंफर्म है रूम, तो रूम वगैरह कंफर्म करते हैं चल के, और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, देखते हैं भाई रूम चेंज कर लें आज, अपना सामान उसमें शिफ्ट कर दें तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखते हैं भाई कितने बजे कैसे निकलेंगे, क्योंकि ट्रेन है अब अपनी 8 बजे, 5:25 पर है, लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है वो रहा है 3:15, तो शायद 5:25 वाली देखता हूँ पकड़ जाए तो पकड़ जाए, वरना फिर पकड़ेंगे भाई वही सेम अपने 8 बजे वाली। सामने का व्यू अपने कॉलेज का व्यू देख रहे हो, ये देखो भाई इधर ही काम चल रहा था, थोड़ा हो गया है, अब पूरा हो जाएगा कम्प्लीट जब तक हम लोग आएंगे। ये सामने ऑडिटोरियम, इसमें भाई कुछ ना कुछ होता ही रहता है, देखो अभी भी कुछ पोस्टर लगा हुआ है ये नीचे गेट पर, कुछ हुआ हुआ अभी। लो भैया आ गए अपने हॉस्टल के बाहर, ग्रीनरी देखो कितनी मस्त हो रही है भाई, बादल देखो तुम, बादल क्या बादल हो रखे हैं ना, चल रहे हैं जल्दी से करा लें हॉस्टल वगैरह। सुबह से रूम हमारा हो चुका है चेंज, ठीक है, ये लग गया G6 और G6 की ये रही चाबी, और इधर है हमारे पुराने वाले रूम की चाबी, ये है भाई G6 पहले हमारा जो रूम था वो वाला था सामने वाला, पर अब वो नहीं है, अब है भाई ये वाला। भाई इस रूम को मिस तो मैं बहुत करूँगा यार, बहुत मिस करूँगा बहुत, और देखो थर्ड ईयर जब मेरा आएगा तो शायद मैं दोबारा से इसी रूम को ले लूँ। और भाई ये वाला रूम था अपना G12, इस रूम को बहुत मिस करूँगा, सच बता रहा हूँ, इस रूम से मेरी बहुत लगाव हो गया था। ये देखो भाई कुछ हमारे रूम की हालत ऐसी है, पूरा रूम में शिफ्ट करके गया था, जो भी मेरा सामान था सब कुछ इसके अंदर, और सबसे बड़ी पहचान तो हमारी ये थी यार, राव साहब लिखा था भाई मेरे कबर्ड पे ही, है ना। तो भाई बढ़िया रूम का बनाइए, एक ये शायरी लिखी थी हमने, ये शायरी थी, कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए बस आँखों का गुजारा हो जाए, और क्या लिखा था हमने, ये भाई अभी जो लड़के ने बुक कराया उसने लिख दिया, ये लिखा हुआ भी नहीं था इसमें। और देखो भाई अपना यही थी रूम कुछ, वही अभी बाल्टी रखी है गाइस, और देखो ये रहा अपना भाई सिस्टम राव साहब, बहुत मिस करेंगे इस रूम को हम लोग, बहुत बहुत बहुत। अभी मैं दिखाता हूँ अपने कबड़ की आपको हालत सबको, देखो भाई हालत दिखाऊँ कबड़ की, तो कुछ इस तरह है, देख रहे हो कितनी गंदगी भरी पड़ी है इसमें नीचे,
और यहाँ पे हमारे मानपाल सिंह जी चुपके हुए हैं कि हमारे कासगंज के विधायक रहे हैं। और इलेक्शन के टाइम मेरे पास काफ़ी सामग्री रहती थी, इलेक्शन वगैरह की जो कि प्रचार वगैरह चलता था उस टाइम काफ़ी सामग्री रहती थी, तो मैंने उसी सामग्री का बहुत ही सही इस्तेमाल करा जो बच गई थी अपने रूम के कुछ यहाँ पर। ये देख रहे हो कितना अच्छे से इस्तेमाल करा है मैंने। और ये हमारे अंदर बागी बिहारी जी और खाटू श्याम जी, जिनको बहुत मानता हूँ। और अभी हम लोग करने वाले रूम चेंज, अपना इसका सामान जो भी है शिफ्ट कर देंगे हम लोग G6 में, वहाँ पर उस वाले रूम में जहाँ से दिख रहा होगा ये रहा इधर। सो G6 हमने खोल लिया और देखो G6 है ये वाला, और देखो ये वाला रूम दिखाऊँ तो सामने लिखा है जय श्री राम, जय श्री राम सबको, है ना। और ये देखो भाई रूम कुछ ऐसा है, दो यहाँ पर टंगी मिल गई हमको, एक लाइट सही मिल गई है, दूसरी लाइट भी सही मिल गई है। दूसरी चीज़ ये मिटानी है मुझे, ये चीज़ मैं बिल्कुल मिटा दूँगा बिल्कुल, और यहाँ लिखूँगा यादव राव साहब सिस्टम अपना, ठीक है। और ये रही कबर्ड, और कुछ ऐसे ये है सिस्टम, ये भाई रखिए क्या ये, अच्छा ये बोतल है, ये रहे गद्दे। तो मैं अभी क्या करूँगा, गद्दे यार सही है वैसे दोनों, चेक कर दूँ भाई गद्दा, ये भी सही है, कोई सा भी बेड ले सकते हैं ना। और ये भी गद्दा, गद्दा यार ये लेट के देखूँगा, गद्दा सही है यार, ये भी दोनों गद्दा सही है। और व्यू हमारे यहाँ से कुछ आएगा यूँ, अरे भाई ये क्या चीज़ है, अरे देखो भाई वो ऊपर से गिर गया, ऐसे लगाऊँ जो आ रहे हैं भाई यहाँ, तो बस अपने यहाँ से यहाँ का व्यू आएगा ये वाला, इसलिए रूम बुक करा, पीछे गार्डन है और जो कि हवा भी आएगी। और अपने रूम में जो था वो था कोट, तो कोट से आ जाती थोड़ी बहुत गर्मी, तो अभी कर लेते रूम को शिफ्ट, जल्दी जल्दी सामान कर लेते अपना इसमें सेट। ये देखो भाई क्यों मुझे गुस्सा आते हैं, छोड़ जाते हैं यार देख रहे हो। चलो ठीक है जल्दी शिफ्ट करते हैं इसमें। ये एक मिल गई हेयर बैंड जो बेकार है, ये सारे कागज़ रख देंगे साइड में। और भाई यहाँ पे भाई देखो क्या क्या छोड़ गया आज इंसान है, मैं जानता हूँ इसे, मैं इससे कहूँगा मैंने तू रूम सब भरा छोड़ गया चम। ये देखो भाई मेरे क्या करूँ मैं इसका, जैसे इसमें घुस दे रहा नीचे, तो भाई यहाँ पे जो कुछ भी रखा था सब मैंने नीचे कर घुस दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं रूम को जल्दी से चेंज, सामान वगैरह अपना लेके आते हैं, शिफ्ट करते हैं। लेकिन इस बार रूम की याद बहुत आएगी, रूम तो अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रूम से बहुत यादें जुड़ी हैं। यहीं से मैंने अपना चैनल शुरू करा, फर्स्ट वीडियो मेरे से ही यहीं से बनी, फर्स्ट वीडियो चैनल की, और काफ़ी यादें हैं भाई इस रूम से। तो अभी हम लोग उठाते हैं अपना यहाँ से सामान जो हमें हटाना है सिस्टम भाई। सो गाइस ये कबर्ड पूरी खाली हो चुकी है, केवल हमारे इसमें भगवान जी रहेगा, उनका सामान रह गया अंदर रखा हुआ है जो वो उठाना है अभी। ये सारा हमारा वेस्टेज है, सारा हमने सामान निकाल लिया है। और ये रहे अपने जूते, तो ये अपने अभी लेके चल रहे हैं और दिखा रहा हूँ वहाँ मैंने सब सामान रख दिया है, और किस हिसाब से रखा है वो देखना तुम, जुगाड़ देखना भाई मेरी। फिर तो भगवान जी को लेने आएंगे, हाथ वगैरह धुलाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम बहुत देर सामान वगैरह कर रहे हैं, तो हाथ होंगे गंदे। तो चलो भाई ये जूते ले चलो, और भाई तुम्हें दिखाऊँ भाई सिस्टम मैंने कैसे रखा हुआ सामान का। वो भाई तो भाई ये देखो ये हमारे आगे था शायद जो भी एक दो चीज़ें रखी थी कपड़ों में, वो ये रही हमारी किताब है, और जितना हमारा सामान है ना जितना कुछ ये देखो A to Z जितना हमारा उसमें रखा था छोटा छोटा सब मैं इसमें भर दिया, सब कुछ है इसमें देखो एंड तक दिख जाएगा तुम्हें, मेरी घड़ी का डब्बा से लेके ब्रोश रोज सब कुछ इसी में देख रहे हो, सब इसी में लाइट जला के दिखाऊँ तुम्हें। देखो भाई सब घूस दिया इसी में मैंने, सब A to Z, तो इसे ढक दिया ऐसे करके और इसे उठा के रख दे रहे ऐसे। लो भाई ये अपना बाथरूम है, देख लो भाई है ना, देखा होगा भाई सबने, बाथरूम आ गए अपने अभी अभी थोड़ा हाथ वगैरह धुलने, और इधर का व्यू दिखाऊँ तो मैं। देखो भाई ये रखो सिस्टम, गंदगी पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, पड़ी नहीं बहुत थोड़ी बहुत, बहुत कुछ है। तो अभी चलो हाथ वगैरह धुल लें, उसके बाद रखेंगे भगवान जी को दूसरे रूम में शिफ्ट करके। तो ये हमारा सारा सामान जो है आ चुका है, और हमारे भगवान जी भाई रहे ये यहाँ पे रख दिए उन्हें, ठीक है ये देख रहे हो यहाँ रख दिया है। और अब सारा सामान हो गया शिफ्ट अपना, अब केवल अपने लोगों को रेस्ट करना है यहाँ पे रूम में, उसमें तार लगा के चाबी देनी है सर को, चाबी वगैरह देके आते हैं लोग है ना, फिर उसके बाद देखते हैं भाई क्या रहता है सिस्टम, अपने लेट के करेंगे थोड़ा फ़ोन ऊन चलाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से वापस कासगंज जब ट्रेन का टाइम हो जाएगा उसके आसपास। और व्यू देखो भी हॉस्टल का, देखो भाई नीला नीला अंबर, दुनिया में है 7 समंदर, ठीक है ऐसे ही बोल देता हूँ मैं यार, कुछ नहीं यार। यहाँ से देखते थे मुझे लोग निकलते, मेरे दोस्त वगैरह निकल रहे हैं इस वाली साइड से, तो देखते थे मैं यहाँ लेटा हुआ होता था, तो कहते भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो वो सब चीज़ बंद हो जाएगी अब क्योंकि उस पर थोड़ी देख लेंगे। सो सैड भाई देखो वहाँ से G6 से लेके G6 7
एट नाइन टेन और फिर इलेवन, अब ये ट्वेल्व हट गया, ट्वेल्व मेरा था। थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन जितने रूम है भाई, जितने दिख रहे हैं लाइन से सारे रूम कासगंज वालों के थे। पूरा फ्लोर भाई कासगंज का सिस्टम मतलब बहुत थे यहाँ पे, बढ़िया थे कासगंज वाले बहुत थे। पर एक रूम अब रह गया मजीन खराब वाला। इसमें देखो सारा सामान हमारा हो गया है ख़त्म। और भाई ये सब है बेकार बेकार, नमकीन नमकीन पड़ी है। ये पता नहीं किसके कागज़ हैं, मैं फाइल वाइल उठा लाता था, मैं आ जाते थे कागज ही वो सब हैं। और एक पन्नी रह गई, पन्नी बहुत ज़रूरी होती है यार, एक पन्नी और ये भी पन्नी रखी ले रहे हैं, क्योंकि यार हमारे पास पन्नी होती नहीं है ना यहाँ पर, तो ज़रूरत पड़ जाती है। ये भाई अपना बोया का माइक जो मंगवाया था उसका है ये डब्बा। तो भाई इसका हम लोग को कुछ है इसमें, इसमें अपने कागज़ हैं भाई, रख ले रहे हैं, चलो अच्छा लगेगा देख के। डब्बा अभी तक रखा अपने पास, ये सब देख के सब कुछ डन। आप उठा लिए अपना बैग यहाँ से, लाइट चली गई, ये थोड़ी अभी आ जाएगी। और मानपाल सिंह को यहीं चुपके रहने देते हैं, कितनी शांति वैसे लग रहा है। अब इसमें आवाज़ आ रही है, गूंज गूंज रही है इसमें आवाज़। आखिरी बार भाई देख लेते हैं अपने रूम को, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कैमरे में अपने व्लॉग में, है ना। ये रहा अपना रूम, इसे उठा लूँगा अभी मैं डब्बा को, ये मेरी डस्टबिन है। और भाई सब कुछ खाली ख़त्म, सब कुछ इस रूम से सिस्टम अपना, नए रूम में शिफ्ट हो गया सब। चलो इस बेड इस गद्दे पे तो मैं दो दिन लेट पाया, मैं गद्दा बदला था पर उसमें सही गद्दा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई ताला वगैरह लगा दें इसमें, अरे निकालने पहले डस्टबिन, इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे, इसी में सब डालता था मैं, सब फैला दिया मैंने वहीं पर, उठा लिया अपनी डस्टबिन गाइस। ऐसे ही करता हूँ मैं तो अपना सामान वहीं पहले। सो गाइस इस रूम को करते हैं बाय बाय, और करते हैं फाइनली बाय से, और लास्ट लॉक जो हमारा लगने वाला है इसमें वो लगा देते हैं जल्दी से। जीजा कुछ ले ली अपनी डस्टबिन गाइस, ओके कोई चीज़ अपनी छोड़ते नहीं। अब डाल दें इसे, और ये जो चाबी है इसे दे दे रहे हैं सर को, बोलेंगे सर थामिए अपनी अमानत, हो गया सिस्टम। ये रहा अपना बेड वो सॉरी नया, और ये रही डस्टबिन इधर। ये चप्पल चुप्पल यार गली है मेरी, एक और थी ना मेरे पे एक्स्ट्रा, इन्हें आप दे रहा बस। चलो अब चाबी ले आऊँ सर को पहले मैं, बस चाबी हम लोग दे आए ठीक है। और सर ने बोला कि छः अपने G6 की चाबी दे के जाना मुझे, क्योंकि सफाई वगैरह करवा दूँगा उसमें मैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम दे देंगे, हमें क्या फ़र्क है, चाबी दे देंगे इसकी और सफाई वगैरह हो जाएगी अपने रूम की, रूम वह साफ तो है। और अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं अपने, जो भैया दोबारा उतर गई है, आप ये इस पर चढ़ के दोबारा लगाऊँ उसे। कैसी है यार दिक्कत है इसमें, कुछ कराने पड़ेगा इसका जुगाड़। अरे तेरी ऐसी तैसी दोबारा, अरे भैया पहले सो नवन्या अच्छा पकड़ लूँ पहले क्या यार, उधर से निकल गई अब यार ये। सो गाइस खिड़की खोल के अपना रूम का लोग देख रहे हो भाई, बढ़िया। अरे यार बारह रूम दिखा देता मैं, तुम बोले क्या बोल कर रहा है तुम रूम दिखा के, पर ठीक है जो भी है ना। और बाहर का भैया ऐसे है तो चलो। अरे हाँ यार ये देखो, ये बैठा लंगूर, दो रूम ले नहीं पाया भाई, लंगूर पहले आ गए, दो बैठा मतलब हमने रूम नहीं ले पाया और लंगूर पहले आ गए। गैस मेरे पास उसका भी कुछ नहीं था, इरेजर वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन हमें जो करना था वो करना था, और यहाँ हमने मिटा दिया ये ठीक है, सब मिटा दिया ये। अब जब हम लोग आएंगे तो प्रॉपरली इसको रफ कर देंगे, और यहाँ चलेगी राव साहब सरकार ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अपने लोग, यहाँ नहीं लिखेंगे, कबड़ भी लिखेंगे सामने राव साहब अपने, यहाँ आने दीवाली वाल गंदे नहीं करते, दीवार पे लिखेंगे शायरियाँ, और यहाँ लिखेंगे भाई राव साहब अपने कबड़ पे, और उसका भी सिस्टम ख़त्म। और भाई जय श्री राम, और बहुत चीज़ें इस बार तो मैं इस रूम में सब कुछ लिख दिखा दूँगा देखना भाई। कबड़ में हम लोगों को देखो यहाँ पे रखी हुई हैं ये ये क्या तस्वीरें, हनुमान जी की है पीछे, कृष्ण जी की हैं, सारी तस्वीर रखी हैं। तो भाई देखते हैं अगर वो बंदा लेके जाएगा या नहीं जिसका रूम था, तो वो ले जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और वरना हम लोग लगा लेंगे। और यहाँ पे भाई कुछ ऐसे घड़ी वड़ी का बेकार पड़ा है सामान टूटा हुआ, अपना कुछ हॉस्टल ठीक है भाई। ये रहा रूम, और आज के व्लॉग का ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।